स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। आज के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति किस राज्य में मिली है? तो आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। इसके यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा अरुणाचल प्रदेश राज्य से याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि भारत के विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि विराट कोहली को हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिजिट इंश्योरेंस के द्वारा किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत के विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर वर्ग को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो एक वर्ग होता है जो होता है ट्रांसजेंडर वर्ग, और इसे NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर में प्रवेश की मंजूरी दी है केरल राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि केरल राज्य में इडुकी बांध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इडुकी बांध किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। और पेरियार नदी किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल राज्य में है, ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और शांत घाटी भी केरल राज्य में है। साथ ही केरल राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में फ्रांस ने अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है और ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप याद रखिएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, आप याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है पेरिस में। साथ ही आप याद रखिएगा कि फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आप याद रखिएगा, रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। साथ ही आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके हाल ही में इसकी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश राज्य से याद रखने हैं। साथ ही एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो एशिया महाद्वीप में एक देश जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ है। इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ है, ये हुआ कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक युद्धाभ्यास किस राज्य में हुआ है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है। तो WHO के द्वारा एक अनुपात जारी किया गया है कि कितनी जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, तो इसे पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। तो आप याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है बिहार राज्य ने, और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बना है। वहीं अगर हम बात करें WHO की, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और 7 अप्रैल 1950 को 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में चुना गया था। चूंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही, इसी कारण से 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यूक्रेन कुश्ती में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो हाल ही में यूक्रेन में एक कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुई है, इसमें भारत के विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना कि भारतीय है विनेश फोगाट और इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है विनेश फोगाट से जुड़ा, कि विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अगस्त को हमारे देश भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अन्य खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, इसमें एक थे विनेश फोगाट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु और मनिका बत्रा, ये 4 नाम हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि इन 5 व्यक्तियों में वो 5वें कौन है जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 मिला है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो भारतीय गायिका है जिनका नाम है आशा भोसले और इन्हें ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि आशा भोसले पहली भारतीय गायिका बनी थी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी, तो वे थी आशा भोसले। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई 1929 में, 1929 में ऑस्कर की शुरुआत हुई, 1959 यानी कि 1959 में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। और आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है कि NCRB ने 11 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB ने 11 मार्च को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 11 मार्च 1986 को यानी कि 11 मार्च 1986 को NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और इसी ने अपना 36वां स्थापना दिवस 11 मार्च को मनाया है। तो ये थे आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करने हैं। और आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।